तो खबर दुमका से है, जहां वासुकीनाथ शिवगंगा की सफाई को लेकर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता और नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ने शिवगंगा घाट का जायजा लिया। आपको बता दें कि कार्यपालक अभियंता अनुज ने ये बताया है कि श्रावणी मेले के पूर्व ही किस प्रकार से शिवगंगा के पानी को स्वच्छ किया जाए, इसको लेकर यहाँ पर संबंधित अधिकारियों के साथ विचार विमर्श भी किया गया है। आपको बता दें कि कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष ने ये बताया है कि दूर दराज से यहाँ बाबा के दर्शन करने श्रद्धालु पहुँचते हैं, ऐसे में उनको शिव गंगा में स्नान करने में कोई परेशानी ना हो, इसकी व्यवस्था भी की जा रही है। तो दुमका से खबर है, जहाँ आपको बता दें कि शिव गंगा घाट का जायजा लिया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता ने जायजा लिया, संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं, इसके साथ उनके साथ चर्चा भी की गई। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के स्नान के लिए अब व्यवस्था यहां पर की जा रही है। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहां श्रद्धालु डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं और उसको लेकर अब व्यवस्थाएं भी दुरुस्त की जा रही है। सफाई का जो स्वीकृति मिला है उसके वजह से अभी हम लोग प्राकलन बनाने आए हैं कि किस तरीके से इसको साफ किया जाए, क्योंकि जैसा बताया गया उसमें हम लोग अपने धर्मरक्षिणी के अध्यक्ष हैं, उनका सहयोग लिए, इसके बाद आपका कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, इनका सहयोग के माध्यम से फरवरी तक का हम लोग टारगेट लिए हैं कि फरवरी से मार्च तक शिव गंगा को साफ कर दिया जाए, ताकि आने वाला मेला जो लगभग अगस्त के लगभग पड़ेगा।